नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लक्ष्य क्लासेस का एक पटवारी से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर है उसकी व्याख्या समेत उसको हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 0 डिग्री से उत्तर की ओर चलता है ये। तो अपने भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आएगा नंबर 1। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, है ना। तो इसका वास्तविक उत्तर है बांग्लादेश। तो प्यारे छात्रों, देखो ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो आपको देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान की सीमा बहुत ज़्यादा लंबी है, ये चीन है तो चाइना की तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है ना, और बाकी देश है देखो इसकी इतनी है, बांग्लादेश की इतनी है। तो बांग्लादेश की आपको छोटी दिख रही होगी लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी है ना, क्योंकि ये जो सीमा देख रहे हैं आप लोग यहाँ से यहाँ ये बहुत ज़्यादा कटी फटी है ना, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे इस तरह की सीमा यहाँ पे है। इस वजह से क्या है आपको ये है ना, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा इसकी है। और चीन की बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन देखो बीच में कौन सा आ रहा है, नेपाल आ गया है ना। तो भारत ये नेपाल, तो ये वाली सीमा तो चीन की नेपाल के साथ लगती है ना, और ये हो गया भूटान हो गया है ना। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा लंबी अगर कोई किसी सीमा किसी देश के साथ लगती है भारत की, तो वो कौन सा देश है, बांग्लादेश है ना। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे देखो भारत में राज्य की बात करें है ना, तो देखो आंध्र प्रदेश की बहुत ज़्यादा लंबी दिख रही है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसकी सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती सीमा है ना, जिस राज्य की है वो कौन सा है, गुजरात है ना। ऐसा देखा जाए दिख रहा है आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबा दिख रहा है लेकिन चूंकि गुजरात की जो सीमा है जो समुद्र के साथ लगती है वो इस तरह से ये कटी पट्टी है ना, कटी पट्टी तो कई किलोमीटर अंदर है फिर बाहर है फिर अंदर है फिर बाहर है। इस तरह से अगर किसी राज्य भारत की किसी राज्य की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसी समुद्र के साथ लगती है तो वो कौन सा राज्य है, गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए, है ना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सूची 1 देखेंगे, ये सूची 1 है सूची 2 है। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें सेरिकल्चर, तो हम सभी जानते हैं सेरिकल्चर का मतलब क्या है, रेशम के कीटों को का पालन है ना। तो प्यारे छात्रों, आपको पता होगा कि देखो कृषि के माध्यम से हम खाने पीने की चीज़ें का उत्पादन करते हैं, अन्य हमारे जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन सबका हम बड़े पैमाने पर कृषि के माध्यम से उत्पादन करते हैं। तो एक बृहद पैमाने पर कृषि इसका नाम है तो एग्रीकल्चर है ना, लेकिन इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग इसको क्लासिफिकेशन किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जिसमें सेरिकल्चर है तो उसको रेशम के कीटों का पालन, तो रेशम के कीटों के माध्यम से हम आप सभी जानते हैं कपड़ा बनता है। दूसरा है पीसी कल्चर है ना, तो पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन है ना, तो मत्स्य पालन भी एक प्रकार का बिजनेस है ना। भारत के तटीय प्रदेश में प्राकृतिक रूप से लोग मत्स्य पालन करते हैं, इसके अलावा दक्षिण भारत में और यहाँ पे वहाँ पर मौसम ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी है कि वहाँ पे तालाब और छोटे मोटे नदियाँ नाले चलते रहते हैं। लेकिन जैसा हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी स्पेशल तालाब बनाकर क्या कहते हैं मछलियों का उत्पादन किया जाता है। तो ये एक विधि होती है, एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, नंबर तीसरा है विटीकल्चर, तो विटीकल्चर है जैसे अंगूर की खेती है ना, तो अंगूर की खेती एक बेल होती है उस पर विशेष प्रकार से अंगूर की खेती की जाती है और अच्छा खासा मुनाफा बनाया जाता है। और अगला है डी हमारा है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर है तो सब्जी फूलों और फलों की खेती को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 डी, ये वाला उत्तर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है ना। तो अभी थोड़ा सा देखो पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहला है ऑप्शन है ए, इस है ना, यहाँ पर बात हो रही जैविक कृषि है ना, जैविक कृषि है ना। तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैविक कृषि में पीड़ानाशी कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये भी सही है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवंशिकता रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो जो जैविक कृषि है प्यारे विद्यार्थी वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक ढंग से की जाती है। ठीक है, और आनुवंशिकता संकर बीज और इन स्तर का प्रयोग हम लोग करते नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये जैसे नंबर 1 और नंबर 2 ऑप्शन सही है, तो इसमें पहला वाला जो है वो राइट होगा है ना, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए युग्मों में सही सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है या नहीं, है ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आरक्षित वन, वह भूमि जो अधिक क्षण से बचाई जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार के वन, जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में अधिकतर जो वन है वह क्या है, आरक्षित वन। तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है कि सरकार ने एक क्या कहते हैं बाड़ लगा रखी है ना, बाउंड्री बना रखी। तो इस प्रकार के वन में हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई पशु भी चरा सकते हैं, है ना, और फल पत्तियां तोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो सूखी लकड़ी है ना, टूटी लकड़ी, उसको हम ले जा सकते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार के वनों की कटाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो और दूसरा है कि रक्षित वन, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, है ना, इसको संरक्षित वन भी कहते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। तो इस तरह के वन में आप न तो वन्य जीव चरा सकते हैं, अपने पशु नहीं चरा सकते, नहीं यहाँ से किसी प्रकार की कोई सामग्री ले सकते हैं, है ना। एक तरह से यहाँ पे आपका आना जाना भी निषेध रहता है, पूरी तरह से यहाँ पे वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। अगला ऑप्शन है, अवर्गीकृत वन, है ना। तो सरकार इस वन में सरकार व्यक्ति के निजी और समुदायों के अधीन वन और बंजर भूमि, है ना। तो बहुत सारे वन अवर्गीकृत रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के निजी वन है। ठीक है, वन उसके निजी हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो सबको ही देते हैं। तो इस तरह से इस तरह के वन क्या कहलाते हैं, अवर्गीकृत। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए अपना आंसर होगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पीर पंजाल और पहला ऑप्शन है पीर पंजाल और जास्कर, दूसरा है लद्दाख और जास्कर, तीसरा ऑप्शन है धौलाधर और पीर पंजाल, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नंबर 2, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो जो अधिकतर नदियाँ हैं वह क्या है कि दो पास, है ना, दर्रे। तो जैसे कि ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, बीच में जो स्थान होता है उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है, और आमतौर पर इन दर्रों पर या तो बस्ती बस्ती है, या कोई मार्ग होता है, या यहाँ से हमेशा नदियाँ गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीर पंजाल है, जास्कर हो गया, है ना, इस तरह के बहुत सारे धौलाधर, बहुत सारे दर्रे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दर्रा मतलब पास का मतलब ये होता है कि ये जो पहाड़ है और ये पहाड़, है ना, इसके मध्य का जो स्थान होता है ना, वही हमारे यहाँ पर भी देख लो। तो यहाँ पर भी हम गाँव में जो खेती बाड़ी करते हैं तो स्थान कैसा होता है, ठीक है, ऐसे स्थान पर करते हैं ना, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ पहाड़, और बीच में बस्तियाँ या नदी नाले, इस तरह से हमारे रहते हैं। तो प्यारे छात्रों, किसी ज़माने में सिंधु नदी हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, हमारे देश का जो नाम है सिंधु, है ना। तो हम लोग क्या है कि, या फिर सरहद के उस पार के लोग स को ह बोलते हैं ना, हम लोग भी आपने देखा होगा स को ह बोलते हैं, इसलिए सिंधु को क्या बोलते हैं, हिंदू। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वह भी, इनका नाम भी हिंदू पड़ा, और हिंदू इसलिए इसका नाम हिंदू से हिंदुस्तान, या इंग्लिश में इंडस। ठीक है, तो क्या नाम पड़ गया, इंडिया। तो हमारे देश की ये पहचान है, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो बंटवारे के बाद ये नदी है कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में। तो कालांतर में क्या हो गया कि गंगा नदी महत्वपूर्ण हो गई और सिंधु नदी चूँकि पाकिस्तान में चली गई, इसलिए अपना धीरे धीरे महत्व खो रही है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। ठीक है, तो आपको मिलाना है झेलम नदी होगी, रावी नदी होगी, व्यास नदी होगी, और सतलज नदी, है ना। ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी की सहायक हैं। तो हमें पता लगाना है कि भाई इनके उद्गम स्थल ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा झेलम नदी, है ना। तो इसका प्राचीन नाम है विदस्ता, है ना, और यह वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, और डल झील और वहाँ से होकर गुजरती हुई फिर पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। अगली नदी का नाम है रावी। ठीक है, तो रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से बहती है। अगली नदी है व्यास नदी। तो व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के आसपास व्यास कुंड से निकलती है, और व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा, है ना, विपाशा के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है सतलज नदी। तो सतलज नदी वर्तमान जो तिब्बत देश है, ठीक है, तो तिब्बत देश में जो मानसरोवर झील है उसके पास में एक राक्षस ताल है ना। भारत में ये राक्षस ताल के नाम से नाम प्रसिद्ध हो गया, वास्तव में इसका नाम राक्षस ताल है। तो वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और इस तरह से ये झेलम होगी, रावी होगी, व्यास होगी, सतलज होगी, ये सारी नदियाँ कहाँ से जाती, भारत से निकलती है और पाकिस्तान में
जाती है, ठीक है। और भारत में और पाकिस्तान में एक प्रांत है ना पंजाब, ठीक है। तो पंजाब है तो वो पांच नदियों का आब है ना, तो दो नदी के बीच का क्षेत्र जैसे ये और ये, इन दोनों का बीच का क्षेत्र कहलाता है आब। जो कि जो पंजाब है वहाँ पर क्या है, टोटल पांच नदियाँ, एक नदी और होगी अपने चिनाब है ना, तो इस तरह से वहाँ पे पांच नदियाँ बहती हैं। तो पांच नदियों के बीच का जो क्षेत्र होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, पंजाब, ठीक है। तो ये सभी सभी नदियाँ न केवल भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के मध्य इन नदियों की वजह से क्या हो चल रहा है, कहीं कहीं विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, मौर्य वंश के तीन महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त का पोता है ना, जो भारत का एक महान शासक है जिसका नाम है अशोक, ठीक है। तो हम क्रम देख लेंगे, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, तो ऑप्शन जो चार नंबर का है वो हमारे लिए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। तो ये जिस गुप्त साम्राज्य की बात है जो भारत का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त प्रथम है वह भी ये उपाधि महाराजा धीराज है ना उपाधि ग्रहण करता है, और जो समुद्रगुप्त है जो भारत का नेपोलियन कहलाता है ना, बहुत महान विजेता है, तो वह उसने भी क्या है कि महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी है ना, धारण की थी। और तीसरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अब हमारी बात हो रही है महाराजा धीराज है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक और दो सही है, तीन और चार नहीं है, तो एक और दो, नंबर दो का ऑप्शन है वह राइट होगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन तीन प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल, हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने राजस्व व्यवस्था कर वसूलने के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है जमींदारी, इदारेदारी, स्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, ठीक है। तो इसमें जमींदारी व्यवस्था है, स्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, ये सब मोटे मोटे तौर पर अंग्रेजों ने शुरू की थी, ठीक है। तो ये तीन नए राज्य जो मुगल बादशाह जो औरंगजेब था, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद तीन इसके जो नवाब थे है ना, खास आदमी थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक ने अपने लिए अवध ले लिया, ठीक है, दूसरे ने बंगाल ले लिया और तीसरे ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। इस तरह से क्या हो गया कि पूरा पूरा मुगल साम्राज्य क्या हो गया, तीन बड़े बड़े राज्यों में बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है इदारेदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है ना, तो यहाँ पर अपन को असत्य जो कथन है, तीन कथन दे रहे हैं उसमें से एक असत्य कथन ढूंढना है। तो पहला कथन है, मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। दूसरा है, मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, जैसे मुगल है तो वह अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को क्या करते थे, मुगल्स, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है वह सही है, मतलब ये क्या है, गलत है ना। दूसरा है, मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर है ना, तो मुगल काल में बहुत सारे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, और उन्होंने अपने जो वंशावली हुआ चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करवाया। और तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ये भी सही है, क्योंकि मुगल हैं वहाँ तैमूर के वंशज थे, ठीक है, तो अपने आप को तैमूर उनका हीरो था, तो उसके साथ उन्होंने चित्र बनवाया चित्रकारों से। अगला प्रश्न है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, मैंने पहले वीडियो भी बनाया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है, वहाँ आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोधी है ना, तो इब्राहिम लोधी के हार के बाद क्या हो गया, दिल्ली में सल्तनत समाप्त हो गई, ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोधी है, तो इसके इससे पहले जो सिकंदर लोधी था उसने कौन सा शहर बसाया था, आगरा नामक शहर बसाया था, ठीक है, और दिल्ली तो था ही। तो मेन जो इब्राहिम लोधी के पास जो मेन जो क्षेत्र थे वो थे दिल्ली और आगरा, ठीक है। तो बाबर ने मेन जो क्षेत्र कौन से किस पे कब्जा किया, दिल्ली व आगरा, और ये लोधी वंश के समय जो राजधानी होगी वो कौन सी होगी, आगरा हो गई थी, ठीक है। और बाबर और इसके बाद हुमायूं और अकबर के समय है ना, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा ये सब निर्माण करवाया है ना, आगरे का किला, ठीक है। तो इस तरह से आगरा मेन था, लेकिन शाहजहाँ के समय क्या हो गया, वापस राजधानी क्या हो गई, दिल्ली हो गई थी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार पद्धति शुरू की? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने, नहीं। मेवाड़ के शासक राज सिंह, नहीं। सिखों के धार्मिक गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है मराठा शासक शिवाजी, ठीक है। तो वास्तव में अगर औरंगजेब के खिलाफ किसी ने भयंकर ढंग से छापामारी युद्ध किया और औरंगजेब की नाक में दम किया, तो वो कौन से शासक थे? हमारे महान मराठा शासक शिवाजी, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार अतिशयोक्ति में कह देते हैं कि छापामार युद्ध की पद्धति ही शिवाजी ने शुरू की या महाराणा प्रताप ने शुरू की, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य चूँकि हम शुरू से प्रारंभ से उसे हम लोग क्या रहे, शिकारी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि शिकार कैसे किया जाता है ना, छुपकर और शिकार पर वार किया जाता है। ये पुरानी प्राचीन परंपरा, इसकी शुरुआत किसी को हम दे नहीं सकते, है ना। आदिकाल से ये युद्ध पद्धति रही है, लेकिन ये आवश्यक है कि मराठा शासक शिवाजी ने अपने से मजबूत दुश्मन उसको मारने के लिए उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो, आप एग्ज़ाम में अगर ये जाएं तो यहाँ पर ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना, नहीं है ना। कई बार जोश में व्यक्ति पढ़ लेता है, बालक है, वो प्रश्न पढ़ लेता है कौन सा सही है, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर इसके बाद जो ऑप्शन देखने। तो पहला है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय करजन था, ठीक है, तो ये सही है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, ठीक है। इनके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा भी सही है, तो गलत है वो कौन सा है, दो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो, आज़ादी से पहले है ना, हमारा जो बंगाल है, तो इस तरह से ये जो बांग्लादेश है और ये बंगाल और ये उड़ीसा का बहुत बड़ा है ना, झारखंड का बहुत क्षेत्र और ये बिहार का बहुत बड़ा एरिया, पूरा इलाका क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर नेपाल से, नेपाल के जो हिमालय है वहाँ से नदियाँ आती हैं, है ना, गंगा नदी यहाँ से आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नदी आती है, तो चूँकि ये खेती बाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, भाई सोना उगलने वाली जगह, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी इधर से आए और पूरे बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया, इधर से कौन आए, अंग्रेज आए और उन्होंने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। और आज़ादी के बाद क्या हो गया कि बंगाल अलग हो गया, लेकिन उससे पहले 1905 में है ना, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को प्रशासन का बाना बनाकर दो भागों में बांट दिया था। तो ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या मुसलमानों का अधिकार था, इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया पूर्वी बंगाल, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल। तो आपने देखा होगा कि जैसा हमारे भारत का जो हिस्सा है उसमें बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो भारत के तो ये पूर्वी में, लेकिन नाम क्या है, पश्चिम में, ठीक है। तो चूंकि ये बांग्लादेश के पश्चिम में, इसलिए इसका नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो प्राचीन नाम अभी भी चला आ रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे ये दो भागों में बांट दिया था, मुस्लिम लोगों के लिए जो आज का बांग्लादेश है वह पूर्वी बंगाल कर दिया था, और जहाँ पर हिंदू बाहुल्य जनता थी उसके लिए वो पश्चिम बंगाल नाम रख दिया था, ठीक है। तो फिर बहुत तेजी से आंदोलन हुआ और लास्ट में फिर अंग्रेजी सरकार को क्या बंग भंग वापस लेना पड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट है ना, 1919 में हुआ था, है ना, एक कानून लाया था जो प्रेस विरोधी था, है ना, अभिव्यक्ति के विरोध में था, ठीक है। तो पहला है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर दो है, जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे उत्तर सही है, ठीक है। तो उसका उत्तर आएगा नंबर तीन, एक और दो, ठीक है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध है ना, पंजाब में जो दो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह, तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि भाई इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर दिया था। तो इसके विरोध में जो पंजाब की जो जनता है वह ये जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित होकर शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। लेकिन ये जनरल डायर है, ठीक है, यह पुलिस लेके आया और उसने निहत्थी जो जनता है उस पर क्या कर दिया, गोलियां चलवा दी, ठीक है। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था और वहाँ पर एक नया हथियार आया था, है ना, क्या कहते हैं उसको, मशीन गन। तो मशीन गन के माध्यम से इसने मशीन गन यहाँ के जो लोग एकत्रित थे उन पर चलवाने का आदेश दे दिया, और जिसमें क्या हो गया, हज़ारों लोग मारे।
तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरह की होती है मशीन गन, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ ये जो गोली देख रहे हैं आप, ये वाली गोली, तो हज़ारों गोलियाँ एक साथ इस गन के माध्यम से चलाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पर हज़ारों लोग मारे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 14 नवंबर 2011, है ना, 31 अक्टूबर, 21 मई और 2 अक्टूबर। तो इसका वास्तविक उत्तर है 14 नवंबर 2011, ठीक है। तो राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार लोक सेवा गारंटी अधिनियम यहाँ पे लागू किया है ना। तो आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालय में लाल पिताशाही चलती है ना, आपने कोई एप्लीकेशन दी, आपने कोई सरकारी जो जायज़ काम है वह करवाने के लिए किसी ऑफिस में गए और वहाँ चुपके जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं, है ना, तो वो काम को लटकाते रहते हैं, ठीक है। तो फिर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये इस कानून के तहत क्या है कि आप उनको मजबूर कर सकते हैं काम, है ना, अगर आपका जायज़ काम है तो उनको करना ही पड़ेगा। एक नियत अवधि होगी, उस अवधि के दौरान या तो उनको काम करना होगा या फिर नहीं करने का उनको कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम में प्रश्न एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको कोई भी प्रश्न है तो वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आमतौर पर हम सबको पता है कि भाई देखो महिला दिवस है वो 9 अगस्त, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन भारत में चूँकि हमारी जो भारत कोकिला की सरोजिनी नायडू है ना, तो उनको जैसे पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है उनको, है ना, तो उनकी याद में उनकी जयंती पर हम 13 फरवरी को भारत में महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, और चूँकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, जब वो भाषण देती थी तो इनका स्वर बहुत ही अच्छा था, ठीक है, इसलिए इनको भारत कोकिला कहा जाता है और इंग्लिश में उनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। छात्रों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया, ठीक है। तो हमारे भारत में इसरो है, तो इसरो ने क्या किया कि भाई जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं विद्यालय जीवन से ही, है ना, हमारे देश में वैज्ञानिक हों, है ना, इसके लिए उन्होंने स्कूल में ही विद्यालय में ही एक प्रतियोगिता शुरू की, ठीक है, जिसको युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है इसरो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 प्रमुख नगर कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है जयपुर और एवं उदयपुर, ठीक है। तो केंद्र सरकार है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरे देश में स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शुरू की, ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान में की बात करें यहाँ पे जयपुर और उदयपुर, है ना, तो प्रथम जो दौर था ना प्राथमिक दौर में किसका चयन किया गया, जयपुर एवं उदयपुर का चयन। बाद में सरकार ने कोटा और अजमेर को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, ठीक है, तो विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या परजीवी के। तो छात्रों ये जो प्रश्न है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, ठीक है, तो विषाणु है, जीवाणु है, कवक है और परजीवी, ठीक है। तो इसका वास्तविक उत्तर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु, ठीक है। तो आजकल वो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये टाइफाइड है मियादी बुखार, जिसको किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। तो छात्रों अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ना, तो ये बहुत पुराना और बड़ा फेमस प्रश्न है, इसका उत्तर तो सभी को मालूम है, स्कर्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण रुधिर है, ठीक है, तो सीरम और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये भी ब्लड के ही या खून के ही भाग हैं, ठीक है, सीरम और कणिकाएं, प्लाज्मा और कणिकाएं और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसका वास्तविक उत्तर होगा, मतलब यहाँ पे प्रश्न है कि संपूर्ण रुधिर है ना, टोटली, है ना, टोटल खून किसको कहेंगे, ठीक है, तो है ना, तो उसको बोलेंगे भी है, तो स राइट होगा इसमें प्लाज्मा, सी राइट होगा प्लाज्मा व कणिकाएं। तो प्यारे छात्रों हमारे अंदर जो ब्लड होता है या खून होता है या रुधिर होता है, ठीक है, तो उसमें 2 तरह के अवयव होते हैं, जैसे कि एक तो पानी जैसा होता है ना, दूसरा ठोस होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लाज्मा होता है ना, तो तरल पदार्थ होता है, और जो कणिकाएँ होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं, कणिकाएँ, ठोस, रुधिर कणिकाएँ कहते हैं ना, तो ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों मिलकर, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा रुधिर बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एनीमिया रोग रक्त की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो पहला है श्वेत रक्त कणिकाएँ, है ना, दूसरा है हीमोग्लोबिन,
स है प्लेटलेट्स और चौथा है लसीका। तो इस बीमारी से जो ग्रसित होता है एनीमिया रोग है ना, वह थका थका सा रहता है ना, पीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो खून है, ब्लड है, उसमें बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, उसमें जो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है, तो व्यक्ति कौन से रोग से पीड़ित हो जाता है, एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब हम सेब के टुकड़े को काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह एक किस तरह का परिवर्तन है ना। आप सभी ने देखा होगा कि एप्पल आपने काटा तो उसका रंग थोड़ा सा भूरा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप अमरूद काटो तो उसका रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं, कैसे हुआ, अपने आप हुआ, जादू ही क्या, नहीं जादू नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी जानते हैं कि एप्पल कैसा है, एक पौष्टिक फल है। ठीक है, तो जैसे हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो अब जो इसकी सतह होती है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि हवा के संपर्क में आते हैं, और हवा के संपर्क में आने पर के बाद इनका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो अमरूद है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है जो कि हवा में के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाता है, इसकी सतह काली हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो देखो पारा होता है ना, तो मरकरी, ठीक है, तो सामान्य अवस्था में भी क्या है कि किसमें होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, द्रव में होता है, वास्तव में ये धातु है ना। तो आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की बुखार मापने में क्या होता है, उसके अंदर जो मापने वाला यंत्र होता है उसके अंदर क्या लगा रहता है, क्या भरा रहता है, पारा भरा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पारा। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल होगी कांच में, है ना, तो आपने देखा होगा प्रकाश की गति तो बहुत ही तेज होती है ना, चुटकियों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जैसे कि आप कमरे में लाइट चालू करते हैं तो कितनी गति तेज होती है, बटन दबाने की पूरे कमरे में रोशनी है ना, तो बहुत ही तेज गति होती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा न्यूनतम, है ना, तो जो बैंगनी रंग होता है वहाँ पर जो बैंगनी रंग के प्रकाश की कांच में गति क्या हो जाती है, चाल न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, और अधिकतम होगी लाल रंग में, अधिकतम होगी, और बैंगनी में क्या होगी, न्यूनतम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देखो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, निम्न में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन, उसमें बिल्कुल विद्युत धारा का उपयोग होता है, रेफ्रिजरेटर आपका जो फ्रिज है उसमें भी होता है, एयर कंडीशन बिना लाइट के तो चलता ही नहीं, विद्युत के चलता ही नहीं। ठीक है, और हमारा सही उत्तर है सौर कुकर, है ना, तो सौर कुकर किससे उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आप सभी जानते हैं किससे, सन से मिलेगी, सूर्य से मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है छात्रों, अभी मुझे काम भी है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।